उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में करोड़ों लोगों को पिछले कई हफ्तों से भीषण गर्मी और हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों की हीटवेव से जुड़ी बीमारियों की वजह से मौत तक हो चुकी है। हालांकि भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से आज राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बुधवार को गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है और अगले 2-3 दिन में तापमान में गिरावट की भी उम्मीद है। इनसैट 3D सैटेलाइट की ताज़ा तस्वीरों में जम्मू कश्मीर के ऊपर हर तरफ घने बादल दिख रहे हैं। अगले कुछ घंटों में जब ये बादल आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में पहुंचेंगे तो दिल्ली NCR समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कम से कम 10 स्थानों पर मंगलवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया या उससे अधिक हो गया। उत्तर प्रदेश का उरई 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। भीषण जल संकट से जूझ रही दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में न्यूनतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस समय के लिए सामान्य से कम 6 डिग्री अधिक है।